हुआ सोसाइटी में मिसबिहेव किया गया मेरे साथ। मैं इतने अच्छे खानदान की, इतनी हुनरमंद मैं, और इतना अच्छा घर था मेरा। 22 साल मैं उस आदमी के साथ रही, मेरा घर जन्नत था। जब वो टूटी, जब वो शटर्ड हुई, जब मेरे बच्चे छिने, तो ये किसी कर्बला से कम नहीं थे। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में जेर इलाज अफशान गुलनाज जैसे हजारों अफराद बेशतर समाजी, मौशी और दीगर मसाइल की बिना पर डिप्रेशन, इंतशार, बेचैनी और जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। मेरे मियाँ के साथ आप कोई झगड़े हुए, मैं जिक्र नहीं करना चाहती उन बातों का। तो बहरहाल सेपरेशन हो गई, तो मेरे बहन भाई मुझे अपने पास नहीं रखते थे। वो कहते थे कि ये पागल है, इसे अपने घर में जगह नहीं देनी। वो मुझे यहाँ पर जमा कर आ गए। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नुसरत हबीब राणा का कहना है कि हर 4 शहरियों में से एक शख्स नफसियाती अमराज का शिकार हो चुका है, जबकि मुख्तलिफ मसाइल की वजह से नफसियाती अमराज में बतदरीज इजाफा भी हो रहा है। डॉक्टर नुसरत हबीब राणा का कहना है कि 1 करोड़ आबादी के शहर लाहौर में नफसियाती अमराज के सदबाब के लिए मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, एक मेयो हॉस्पिटल में वार्ड है, एक सर्विसेज में है, जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनके साथ साथ एक वार्ड है, लेकिन स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन सिर्फ ये है, ना सिर्फ ये कि पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में ये है। मेयो अस्पताल के शोबा अमराज नफ्सियात और दमागी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर रियाज भट्टी का कहना है कि हर 10 दमागी मरीजों में से सिर्फ 1 मरीज मुस्तनद डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है, जिसकी वजह से नफसियाती बीमारियों से नावाकफियत और शर्मिंदगी है, क्योंकि उन मरीजों को मौशरे में पागल कहा जाता है। उन्होंने बताया कि मौशरे में बेशतर ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद पर जिन भूतों के साए करार दिए जाने और इलाज की अदम फराहमी से मसाइल में मजीद इजाफा हो रहा है। आम आबादी जो है और जो लोग हैं वो ज़हनी अमराज के हवाले से बड़ा गलत सरवैया और तासुब रखते हैं। गलत ये इसलिए लिहाज से भी है कि वही जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि लोग ये समझते हैं कि शायद ये आसेब है, साया है, या जादू टूना टोटका, या इस तरह के कुछ खराफात हैं जिसकी वजह से ये ज़हनी अमराज पैदा होते हैं। और इसी वजह से आपने देखा कि ये जो हमारे यहाँ नाम नेहाद पीर फकीर, बंगाली बाबा, तिलस्माती बाबा और जन्नाती बाबा, वो लोगों की किस्मत साथ खेलते हैं। ना सिर्फ ये को लोगों से लाखों रुपया बटोरते हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी को मज़ीद अजेरन बना देते हैं। अब हमें अंदाज़ा है कि इन अमराज के पीछे बाकायदा एक साइंटिफिक अमल है, दिमाग के अंदर होने वाली कीमियाई तब्दीलियों की वजह से अमराज पैदा होते हैं। तिबी माहरीन का कहना है कि 2020 तक मुख्तलिफ ज़हनी अमराज इंसानी सेहत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा होंगे। दिमागी अदम तवाज़ुन का मतलब हरगिज़ पागलपन नहीं, इसलिए ज़हनी मरीजों को धुतकारने के बजाय उनका इलाज करवाना चाहिए, ताकि उनको सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ वापस लाया जा सके। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ इमन ताहिर, सिटी 42।